नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के मेरठ की, जहां मवाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पिछले दिनों हुई ट्रैवल कंपनी के मालिक की हत्या का खुलासा करते हुए आखिरकार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 13 अप्रैल को इस्माइल गार्डन है फरीद कॉलोनी में मवाना में, वहाँ पर एक सूचना आई थी कि एक वैन लावारिस अवस्था में खड़ी हुई है। जब थाने की फैंटम वहाँ पहुँची तो थानाध्यक्ष ने उन्हें आसपास सर्च करने के लिए कहा। आस के पड़ोस के खाली प्लॉट में एक गर्दन कटी हुई बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी कि फिर गाड़ी से देख कर शिनाख्त की गई, तो वो ग्राम सटला निवासी सूफियान निकला था। तो इसमें जब गहराई से अन्य इलेक्ट्रॉनिक तथा मैनुअल सर्विलांस से जब हमने जांच पड़ताल की तो पाया कि एक नज़ाकत कुरैसी और ये जो सूफियान का चचेरा भाई फिरोज़ है, इन दोनों का भूमिका संदिग्ध लगी। तो इस पर हम जब फिरोज़ को लाए और इनसे पूछताछ की तो फिरोज़ ने बताया कि इनके पिता जो मुस्लिम हैं, जो कि सूफियान के चाचा थे, इन्हीं विवादों के कारण सूफियान उन पर टोना टोटका कराता रहता था तथा कई बार कहने के बावजूद भी नहीं मान रहा था और उनकी मुस्लिम की तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। तथा जो दूसरा अभियुक्त है नज़ाकत, उससे भी पहले लड़ाई हो चुकी थी उसकी। तो इन दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि अब इसको मार दिया जाए। तो फिर इन्होंने 13 अप्रैल की सुबह उसे बुकिंग के बहाने बुलाया और इस छुरी से गला रेतकर हत्या कर दी। ये उसका चचेरा भाई है, मुस्लिम कौन है? मुस्लिम सूफियान का चाचा और फिरोज का पिता है। ये इनका ऐसा कहना है कि टोना टोटका उसके द्वारा किया जा रहा था और वो कई बार गलत तरीके से देखता रहता था, इनका ऐसा कहना।